नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन के बीच मई के महीने से जारी विवाद में बड़ी खबर सामने आई है। द हिंदू के अनुसार 15 जून को जिस जगह दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, वहां से चीनी सेना लगभग 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स की ओर से भी बॉर्डर पर तनाव कम होने की बात कही गई है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत और चीन की सेनाओं ने फ्रंट बॉर्डर से बैच के आधार पर सैनिक कम करने का निर्णय लिया है। इसमें दोनों देशों के बीच 30 जून को जो बैठक हुई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों तरफ से शांति बहाल करने की कोशिशों के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच रविवार को टेलीफोन पर बातचीत हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत और चीन के बीच वेस्टर्न सेक्टर की सीमा पर हाल की गतिविधियों को लेकर डोभाल और वांग यी के बीच स्पष्ट और विस्तार से बात हुई और दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति जताई गई कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों को सीमा पर शांति बहाल करनी होगी और मतभेदों को विवाद का रूप लेने से रोकना होगा। चीन ने भूटान के साथ पूर्वी इलाके में सीमा को विवादित बताया है। ये पहली बार है जब चीन ने आधिकारिक तौर पर इस इलाके को विवादित बताया हो। चीन के स्वीकारोक्ति भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल भूटान की पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती हुई है और इसी इलाके में अब चीन सीमा विवाद का दावा कर रहा है। चीन ने कहा है कि उसका भूटान के साथ कभी सीमा विवाद सुलझा नहीं है। पुलिस अभी तक कुख्यात बदमाश विकास दुबे को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। पुलिस ने उसकी सूचना देने वाले के लिए इनाम 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया है। इसके अलावा सूचना लीक करने के आरोप में 3 और पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी को भी सस्पेंड किया जा चुका है, जिससे कुल 4 पुलिसकर्मी इस मामले में अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं। कुख्यात बदमाश विकास दुबे का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक मामले में बीजेपी के 2 विधायकों का नाम ले रहा है। ये वीडियो 2017 का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में विकास दुबे से पूछा जा रहा है कि उसके पक्ष में एफिडेविट देने के लिए उसने क्या कोई दबाव बनाया। इस पर विकास दुबे कहता है कि उसने दबाव नहीं बनाया, लेकिन अपने स्थानीय नेताओं के जरिए प्रयास किया था। वे कौन लोग हैं, ये पूछने पर विकास दुबे कहता है, हमारे स्थानीय विधायक भगवती प्रसाद सागर, विधायक अभिजीत सांगा, ब्लॉक प्रमुख राजेश कमल, जिला पंचायत अध्यक्ष कटियार और 4-5 प्रधान लोग हैं। विकास दुबे कहता है इन लोगों से उसकी बात भी होती है और उनके घर आना जाना भी होता है, मुलाकात भी होती है। कानपुर के बिलौहर से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर ने एबीपी न्यूज से कहा कि मैंने कभी भी विकास दुबे की कोई मदद नहीं की, वो शातिर अपराधी है। जिसकी सरकार रहती है उसका नाम लेने लगता है, उसके नेताओं की बात करता है जिससे उसे फायदा मिले, मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की 3 बड़ी विफलताएं बताते हुए तंज कसे हैं कि ये भविष्य में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के शोध के विषय हो सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसने के लिए कोरोना पर दिए गए उनके भाषण को भी आधार बनाया और इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को दिखाया है। उस भाषण में प्रधानमंत्री कोरोना को 21 दिनों में हराने और थाली बजाने की बात कर रहे हैं। राहुल ने इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, असफलताओं पर HBS यानी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का आने वाले शोध, 1 कोरोना, नंबर 2 नोटबंदी और नंबर 3 स्थान पर GST कार्यान्वयन है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण तेल पर निर्भर रहने वाली अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में हैं, क्योंकि दुनिया भर में तेल की मांग कम हुई है। इसीलिए कुवैत अपने यहाँ से प्रवासी कामगारों की संख्या बड़ी तादाद में घटाने के लिए बिल पास करने जा रहा है, ताकि वहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर कम नहीं हों। इस बिल के अनुसार कुवैत में विदेशी समुदाय में सबसे ज्यादा लोग भारत के हैं। बिल अगर लागू होता है तो यहाँ भारतीय कुवैत की कुल आबादी के 15% से ज्यादा नहीं रह सकेंगे, जिससे कुवैत से कम 8 लाख भारतीयों को वापस आना होगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले 1 लाख से अधिक हो जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा है कि मामले 1 लाख से अधिक हो गए हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 75,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और 25,000 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 15,000 लोगों का घर पर ही इलाज हो रहा है। कई देशों के 239 वैज्ञानिकों ने शोध में दावा किया है कि कोरोना वायरस सिर्फ कोरोना मरीज के करीबी संपर्क में आने से ही नहीं, बल्कि ये हवा में दूर तक फैलता है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जब कोरोना मरीज खांसता या छींकता है तो इसके साथ मुंह के निकलने वाले बड़े ड्रॉपलेट यानी बड़े कण ही नहीं, इसके छोटे कण भी दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। इसे सामान्य भाषा में कहें तो अब तक कहा जा रहा है कि कोरोना मरीज के छींकने पर 1 मीटर दूर पर रहने पर संक्रमण का खतरा कम होता है, लेकिन नए शोध के अनुसार 1 कमरे भर की दूरी तक सांस लेने वालों को संक्रमित कर सकता है।
भारत अब दुनिया भर में कोरोना प्रभावित देशों में तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है। पहले अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद भारत चौथे स्थान पर था, लेकिन अब भारत ने रूस को पछाड़ दिया है। अब भारत में संक्रमितों की संख्या 6,97,000 से अधिक हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 19,000 से पार निकल चुका है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,14,00,000 से अधिक है और मरने वालों की संख्या 5,33,000 से ज्यादा है। फिलहाल 65,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले 28,88,000 से अधिक हैं और मरने वालों की संख्या 1,29,000 से अधिक है। इसराइल ने सोमवार को अपना एक नया जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया जो मिलिट्री इंटेलिजेंस को उच्च गुणवत्ता की सर्विलांस यानी निगरानी में मदद करेगा। इसराइल अपनी सर्विलांस क्षमता को बढ़ा रहा है ताकि ईरान जैसे दुश्मन देशों पर नजर रख सके। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इसराइल अपने लिए खतरे की तरह देखता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ओफेक 16 नाम के सैटेलाइट को सोमवार को इसराइल के ही बनाए शॉबिट रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।